सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी। सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी। ओम शांति। अभी अभी 3 मिनट बाबा के याद में बैठे थे तो कितनी सारी बातें याद में रहते हुए भी बुद्धि में आती रही। पहली बात, जब ही ब्रह्मा बाप थे तो हमारा क्लास छोटा था, तो ये भी हमारा आपस में कलप के बाद, हाँ मैं तो समझती हूँ इस सारे परिवार से कलप के बाद ही ये पहला स्नेह मिलन हो रहा है, बीच में हुआ नहीं है, अभी ये छाप लगी है इस कलप की। हाँ फिर कलप कलप होता रहेगा, फिर कितने बार होते हैं वो तो आगे चल के देखेंगे। तो जब हम आपस में स्नेह मिलन कर रहे हैं तो इतनी दूर की आत्माएं तो मुझे दिखाई भी नहीं देती है, इसीलिए नजदीक होंगे तो मिलेंगे। दूसरी बात, अभी हम जो क्लास करते हैं तो भाइयों का क्लास नहीं करते, बहनों का क्लास नहीं करते, पर किसका क्लास करते हैं? कुमारों का क्लास करते हैं। अभी हम सब यहाँ बैठे, कुमार भी बैठे, भाई भी बैठे, क्योंकि आपको मालूम है ऊपर युगलों का क्लास हो रहा है। अब जिसकी युगल आई नहीं है तो वो भी यहाँ विराजमान है, बराबर अधर कुमार भी विराजमान है। कुमार तो क्लास करके ही पूरा करके आए, तो अभी कुमार भी विराजमान है। वहां नीचे फिर टीचरों का क्लास चल रहा है, टीचर्स बहने जो, तो यहाँ कुमारियां भी विराजमान है, अधर माताएं भी सिंगल विराजमान है, माताएं भी विराजमान है। तो इसीलिए हम सब आपस में कौन ठहरे? हमारा परिवार। परिवार में भाई बहन माँ बाप बच्चे सब होते हैं, तो हम जैसे के आपस में एक बेहद के परिवार, अपने परिवार से मिल रहे हैं। अब परिवार में ये हमारा परिवार बना कैसे, कैसे बना? परिवार का सदस्य हम कहते किसको है? ब्रह्मा कुमारी का नाम भी किसके ऊपर आता है? ब्रह्मा कुमारी ठप्पा, पोस्ट पर ठप्पा लगते हैं ना, तभी पोस्ट पहुंचती है। तो ये भी ब्रह्मा कुमारी, आप सब ब्रह्मा कुमार, पर एक्चुअली ठप्पा पोस्ट किसके ऊपर? मैं आपको सुनाती हूँ। ब्रह्मा कुमारी माना मर जीवा, मरना और जीना, तो मरो किससे जियो किससे, तो मरना किससे? अभी जैसे देखो आपके पास पुराने, जैसे इंसान छोटा होता है पुरानी यानी आगे जन्म में किसी के पास कुछ पुरानी आदतें होती है, खान पान बीड़ी सिगरेट शराबी ऐसा ऐसा, मरने के बाद वो ऐसा शराबी पीने वाला नहीं होता, वो आदत बदल गई, बदल गई ना, दूसरे जीवन में आ गया तो आदतें बदल जाती है, फिर वो कोई पिएगा नहीं ऐसे, हर वक्त पीछे की बात फिर उसके संस्कार करेंगे, पर फिलहाल मरने से आदतें बदल गई। इसी तरह से ब्रह्मा कुमारी माना कुमार माना, आदतें बदल गई। क्या आदतें बदल गई? अब क्या आदतें बदल गई? पहली बात, आज आप सपने दादी जी का क्लास सुना, दादी जानकी का, देह अपमान की आदत पड़ी हुई है, वो है
किसकी? कम है आखिर क्षुद्र कुल की। हम आत्मा है ये ब्राह्मण को, पर ये भी बात नहीं कि आने से कोई आप आत्मा के निश्चय में बैठ के समझ आगे सत्य असत्य का ज्ञान मिला। तो इसीलिए मर्जीवा माना, वो जो पुरानी चाल थी, पुराना खान पान। देखो अब यहाँ आने से हम क्लास में क्या समझाते हैं 7 दिन के कोर्स वाले को, आपको पता है ना भाई हमारा भोजन कैसा होता है, आहार विहार शुद्ध होता है, बीड़ी तमाक, उसने क्या रात को एक हंसी में बताया गोलगप्पा हंसी का, ये करके वो आदत होती है महाराष्ट्र में तमाकू की खास ये करके। तो यहाँ आने से मर्जीवा बने अनाजो, किसमें पान खाने की बहुत आदत होती है, किसी में सिगरेट पीने की, किसी में तमाक खाने की, किसी में आदतें होती है, एक तो ये। दूसरी मर्जीवा मरे और जिंदा है, वो लौकिक के थे, लौकिक मेरा माता लौकिक मेरा पिता, वो लौकिक हद का नशा, मेरे बाप के पास जो है मेरा जो कुल है मैं ऐसे बड़े कुल का हूँ, मेरा खानदान ऐसा है मैं ऐसा हूँ, वो लौकिक वहां से मरे, देखना वहां से मरे और जन्म लिया अलौकिक के पास। तो यहाँ आपको क्या मिला? बेहद का बाबा। अगर बेहद का बाप मिला, भगवान मिला, हम उसके बच्चे हो गए, तो उसके बच्चे होने के नाते से वो हद का नशा, ये बेहद का नशा। तो वो हद की आदतें, ये बेहद की आदतें। तो खान पान आहार व्यास, फिर हम क्या जल्दी कहते हैं, हम अभी यहां बनते क्या है? पुजारी से पूछ, बार बार आज बाबा की मुरली में क्या था? अरे बच्चे मैं तुमको क्या बनाता हूं, पुजारी से पूछ, मैं नहीं बनता पर तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाता है ना। तो मैं कौन? पूज्य आत्मा। तो जब हम मर्जीवा बनते हैं, ज्ञान में आते हैं, तो हमारे पास पहले तो ये मर्यादाएं आती है, तन की शुद्धि, मन शुद्ध होने लगता है तो तन की शुद्धि आती है। मंदिर में आप जाएंगे तो क्या करेंगे, कैसे देवता के आगे भोग लगाएंगे? पवित्र भोजन, साफ स्वच्छ वस्त्र, साफ मैले मैले की नहीं, वो गंदे। हमारे में सब ये कानून रहते हैं ना कि हम खुद यहाँ देवता, अभी स्वयं मंदिर वाला देवता यहाँ विराजमान हो गया, वहां उसकी कितनी हम इज्जत रखते हैं, देवता की कितनी इज्जत रखते हैं। जर आपने बनाया, आप भी संघर्ष हो सकता है बनाने वाले, कोई भी बना सकता है, और उसको रखा नेम, नाम दिया देवता, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, देवी का मंदिर, संतोषी का मंदिर, कितने क्रिय और विधि से जानते हैं। अब वो देवताएं यहाँ आ रहे हैं, स्वयं मूर्ति इस जर मंदिर में विराजमान, ये मंदिर और मूर्ति। तो पहले हम अपने उसी शुद्धि में आ जाए, क्योंकि ये इसी वर्ष के अंदर या इसी समय सब बाबा के बच्चे 12 मास के, 15 मास के, कोई तो 10 मास वाले भी, जिन्हों को कानून हमारी मर्यादाओं का इतना पता नहीं। तो इसीलिए मैं समझती हूँ ये मर्यादाएं भी आप सबके अंदर में अच्छी तरह से क्लियर है, क्योंकि ये भी बात होती है कि यहाँ कौन कौन आए हैं, गांव गांव वाले, किस गांव में गीता पाठशाला चलती, किस काम, तो वहां कोई मेन टीचर्स भी पहुंच नहीं पाते, आप ही खुद टीचर बनके उनके क्लासेस कराते हैं। तो वो जो मर्यादाएं एक्यूरेट क्या है, वो पहले मैं आपको, जो हम ब्राह्मण बनते हैं ना, वो मर्यादाएं हमारी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, जो सबके पास ये नॉलेज आ जाए। एक तो सवेरे सवेरे हमारा नियम क्या होता है, बाबा से गुड मॉर्निंग करने का, ये है पहला नंबर ब्राह्मणों की मर्यादा, बाबा से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग करके नहीं आएंगे बाबा से, पर गुड मॉर्निंग करते फिर बाबा से
मीठी मीठी गुरियान भी करेंगे और अपने से जो सुनी ज्ञान की बातें सुनी हुई वो फिर बुद्धि में ग्रहण करेंगे। तो वो हमारा टाइम है सुबह को 4 से 5 बजे। ये है पहला नंबर ब्राह्मणों का नियम। फिर दूसरा नियम कौन सा? भोजन ऐसे तो नहीं खाएंगे ना, वो तो शूद्र लोग खाते हैं, वो भी पाठ पूजा करके खाते हैं। और हमारा पाठ कौन सा है? रोजाना बाबा की ज्ञान की मुरली सुनना। जब तक हमने मुरली नहीं सुनी है तो क्या हो गया? जैसे कोई लोग होते हैं ना, बिगड़ पाठ पूजा जब आया जैसे आया, नाया धोया नहीं, खाना खा लिया बस गया, तो हम उसको क्या कहते हैं? पर भगत बुद्धि वाले भी कैसे विधि से चलते हैं ना, भावा बुद्धि, मंदिर में दीवा जलाकर कुछ भी। तो यहाँ भी हम पहले अपने मंदिर में, हमारी मंदिर में जाना, आश्रम में जाना, जो भी आपको सहज गीता पाठशाला है, खुद आपके घर में भी गीता पाठशाला है, तो वो क्लास करना, बाबा की मुरली सुनना, अमृत वेले ये आत्मा को शुद्ध आहार देना। फिर जो हमने मुरली की दो बातें भी सुनी ना, भले सुनी तो आपने 1000 शब्द, मुरली को काउंट करेंगे ना कितने, 3000 शब्द है उसमें, पर बाबा ने क्या कहा? एक एक जो शब्द है ना मेरा लाखों के बराबर है। तो मैं कभी अपने सेंटर में अपने बहनों को अपने क्लास को कहती हूँ, मुरली तो सुनी, यहाँ खजाना तो आपने बहुत यहाँ जमा किया, पर बहन जी अपनी पर्स यहाँ नहीं छोड़ के जाना, समझा क्या? पर्स माना क्या? पर्स में रुपए होते हैं ना, पैसे होते हैं ना, पर्स जाएंगे तो क्या होगा, आप खर्चा कैसे कर सकेंगे? तो यहाँ जो आपकी दिव्य बुद्धि मिली, मुरली से ज्ञान बुद्धि मिली, वो ज्ञान बुद्धि रूपी पर्स यहाँ की यहाँ नहीं छोड़ के जाना। जिसके लिए बाबा बार बार कहता है कि बच्चे यहाँ की यहाँ रही, वहां की वहां रही। मधुबन में जो सुन करके जाते हैं वो धारण करके ले जाना, ऐसे नहीं मधुबन से बाहर निकले और बस का दरवाजा देखा और नीचे ट्रेन का दरवाजा देखा, उधर ही वो खजाना, इधर का आपकी पर्स यहाँ ही रह गई, तो बाकी कमाई बाबू करके क्या निकले? सवाल है ना, इन सवालों को साथ में जमा करके चलने का, राइट? तो दूसरी बात, मर्यादा हमारी ब्राह्मणों की, रोज क्लास करना, बाबा की मुरली सुनना, और मुरली सुनने से कुछ भी आप अपनी डायरी में 2-4 बातें जरूर नोट करो। जिसके लिए मिसाल क्या देते हैं, गाय भी क्या करती, गौ खाना खाती जाती, वक्त मिलने पर उगराई करती। तो आप भी खाओ, मुरली सुनो अच्छी तरह, फिर जो आपको बात अच्छी लगे ना तो उसको नौकरी पर, दुकान पर, घर में, प्रवृत्ति में, जहां भी हो, जिधर भी हो, जो आपकी जैसी परिस्थिति में हो, वहां आप इन 2-4 शब्दों को, 2-4 स्मृतियों को स्मरण कर, तो फिर क्या होगा? जो आज दादी जानकी ने बताया कि अगर आपकी अवस्था देही अपमानी होंगे तो आपकी स्मृतियां कैसी रहेंगी? अहंकार से परे, मधुर भाषा, किसको सुख देने वाले? अगर देह अपमान की अवस्था होंगी तो क्या किसी से भी जल्दी से, किसी ने एक अक्षर कहा 4 अक्षर आप बोल दें तो आत्मा क्या नीचे उतर आ गई क्या? उसको देह अपमान की अवस्था कहते हैं, देह अपमान की अवस्था नहीं, आत्म अपमान की नहीं। इसीलिए यहाँ खजाना जमा किया क्लास में, फिर गए, फिर उन खजाने को अगर फिर टाइम मिले तो भी सेंटर पर जाना, अर्थात अपना पोता मेल, अपना चार, एक एक घंटे का भी देखते रहे। जैसे देखो हम क्या कहेंगे, अभी आप कौन हो? बाबा ने एक वाणी मुरली के अंदर कहा, ये है रोगियों की दुनिया,
बीमारों की दुनिया है ना, है आप जवान सब तंदुरुस्त बैठे हो अट्टे कुछ, पर है किसकी? तो पेशेंट को क्या दिया जाता है? खुराक भी दी जाती है जल्दी जल्दी, दवाई का नुस्खा भी दिया जाता है तो वो पेशेंट भी, तंदुरुस्ती की हवा भी दी जाती है तो वो जल्दी तंदुरुस्त एवन हो जाता है। तो ये बात भी ऐसी है, आप भी जो इतने बाबा के बच्चे बहुत समय के बाद मिले हो, तो उनको भी अपना पुरुषार्थ खुद करना। टीचर आपके ऊपर ध्यान देंगे, पर हमारे से कोई कहेगा बहन जी बाबा दया करो कृपा करो, हमारे शब्द क्या निकलते हैं? पहली दया कृपा तो आप अपने पर रख, पढ़ाई करने क्लास में। नया होएगा तो कहेंगे कोर्स करने, आप पुराना होएगा तो कहेंगे सेवा कर मन वचन कर्म से, उससे अपना भला कर। तो ये हमारी ब्राह्मणों की मर्यादा रोज, अगर हम एब्सेंट मार्क डालते हैं तो आप बाबा के शब्द सदा याद करना, क्योंकि वाणी हमारे लिए सब कुछ है। मुरली, अब मुरली से हम क्या लेते हैं? मैं यहीं आपको बताती हूँ हमारी जीवन की बातें, कि छोटेपन से समझो हम बाबा की मुरली, तो उसके पीछे तो गोप गोपियां मस्ताने थे, आपको पता है ना, तो हम सुनते थे ऐसे। फिर कोई समझो जीवन के अंदर यहीं समझो सरेंडर लाइफ है हम सर, फिर भी कई समस्याएं आती है, कोई बात आती है, आपने कुछ कहा मैंने कुछ उसको न समझा और बोला, या कुछ मन में और विचार आते, तो हम फौरन पता है क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं? और आप ये सोच अपने पास नोट करना, बाबा की बात मम ब्रह्मा, ब्रह्मा के सपूत बच्चे वफादार, हमको बाबा की श्रीमत क्या है? मुरली सारी श्रीमत है, मुरली में कौन सी जगह बाबा ने कहा हुआ है कि तू ये विकल्प चला? कौन सी जगह खोल के देखो सारी मुरली तुम्हारी आपस में न बने, कौन सी जगह बाबा ने कहा हुआ है ये आपस में टक्कर हो, कौन सी जगह आपस में बाबा ने कहा है पत्नी का पति के भान रहे, पति का पत्नी को रहे, माँ को बेटे का रहे, कौन सी जगह? कोई ने शरीर छोड़ा, कहाँ बाबा ने कहा है हाँ बच्चे तुमको रोना चाहिए, हाँ बच्चे कहाँ बोला? बाबा ने तो श्रीमती ही नहीं, मेरा तो बाप टीचर सतगुरु, दिल वाला मंदिर माना दिल भर, दिल लेने वाला, वो सब तो मेरा वो हो गया। अभी मैं जो इस समय खड़ा हूँ या कोई उलझन में उलझा रहा हूँ, बाबा की तो श्रीमत हमको है ही नहीं, तो मैं ऐसे क्यों करती हूँ? आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, हंस पड़ेंगे, हो गई छुट्टी, हमारी बात का जवाब बाबा ने दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि मैंने बाबा की मुरली को बुद्धि में अच्छी तरह से दोहराया, उसको अपना श्रीमत समझा, यही मेरा मास्टर है मुरली। बाबा के पास भी जाएंगे, बाबा को प्यारे बच्चे कौन लगते हैं? जब हम कभी मधुबन में आते थे, जब ब्रह्मा बाप के होते, तो बाबा पता है क्या बोलते थे? बच्ची सुनो, पार्टी आती थी, बच्ची बाबा के मिलने के मिलता था तो भी क्या बोलते थे? बच्ची आज बाबा ने बहुत अच्छी मुरली चलाई है, पर बच्चे तुम तो ट्रेन में 2 दिन के बाद आके पहुंचे हो, इसीलिए जाओ जाओ टेप पर जाके बाबा की मुरली सुनो आज की, आज बाबा ने क्या क्या वाणी में डायरेक्शन दिए हैं वो जाके सुनो। इसका मतलब बाबा से मिलना हमको क्या सिखाता है? कि बाबा को देखना नहीं, मुरली से हम बाबा को पहचानते। आप दादी से मिले, दीदियों से मिले, बहनों से मिले, पर आप उनको पहचानते कब हो? जब आप बाबा को पहचानते हो, सिर्फ बाबा को पहचानते हो तभी आप उनको समझ सकते हो। तो बाबा भी आते ही कहते थे बच्ची बाबा ने मुरली बहुत अच्छी चलाई है जाओ। तो हमको पहले मुरली धर की मुरली से प्यार। एक बार सवाल उठा, मम्मा से पूछा गया,
मम्मा आपको बाबा में निश्चय कैसे बैठा? सुना, आपको मम्मा से सवाल पूछा गया, मम्मा आपको बाबा में निश्चय कैसे बैठा? मम्मा ने क्या कहा? एक सेकंड का जवाब है, बाबा के मुरली से जिसने इतना मेरे को ज्ञान रतन दिया, तो ज्ञान से ही जो मुझे ज्ञान मिला, उस ज्ञान से ही मेरे को निश्चय हुआ, इतना ऊंचा ज्ञान देने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं। उस ज्ञान से एक सेकंड में निश्चय हुआ। क्या? जैसे हम कहेंगे डॉक्टरी पढ़ाने वाला डॉक्टर, ऐसे ना इंजीनियरी बताने वाला इंजीनियरी, खुद पढ़ा हुआ। इस तरह से ईश्वरीय ज्ञान का, ईश्वरीय महसूसता, अतीन्द्रिय सुख की वासना इंसान इंसान को दे सकता है। तो एक सेकंड में निश्चय किसने कराया? मुरली। बाबा की जो वाणी, जो मुरली, वो उसने निश्चय कराया। ये सुनाने वाला भगवान के सिवा कोई होता नहीं। फिर कोई कोई सवाल पूछते हैं, बहन जी अतीन्द्रिय सुख किसको कहा जाए? ईश्वरीय आनंद क्या होता है? अच्छा, अभी आपको किसी ने कटु वचन कहा, इसके लिए आप बोलेंगे ये कटु वचन का महसूसता क्या होती है? सबको मैं देखो हंसते हैं, इससे आप सभी अनुभवी हो, क्यों? पुरानी दुनिया के हालचाल को जानते हो, कटु वचन क्या होते हैं? अच्छा, आग के आगे जाओ, पता लगता है कि ये आग है। धूप में आप बहुत बैठ के बैठो तो पता लगेगा, बाबा अभी तो जलन होती है, भाग यहाँ। ये आप नहीं पूछते हो, धूप की महसूसता क्या होती है, आग की महसूसता क्या होती है, कटु वचन की महसूसता क्या होती है, किसने जिद किया क्या होता है, किसने, ये तो आप अनुभवी हो। जब पानी के आगे गए, नदी के आगे, तो आपको क्या आएगा? ठंडक। इसी तरह से ज्ञान की भी जो ठंडक है, ज्ञान बुद्धि है, ईश्वरीय बुद्धि है, वो आपको अंदर अनुभव कराए। मेरी जीवन क्या बन गई, हम क्या थे, क्या हो गए, ये आपके मुख से आज 3 दिन में भी कोई बाबा का बच्चा बन जाते हैं। 7 दिन का कोर्स करते हैं तो रिजल्ट निकल जाती है कि हाँ, ऐसा ज्ञान मुझे किसी ने नहीं सुनाया। क्यों निकला उसे? क्यों निकला? क्योंकि उनके अंदर आत्मा का ताला खुला, कुछ आवाज यानी इंटरनली अंदर बुद्धि का दरवाजा खुला। अशुद्ध जो बुद्धि है ना, उसके ऊपर ये दिव्य बुद्धि, दिव्य ज्ञान का असर। जब आत्मा के अंदर से आवाज निकलता है, ये जो मैंने भक्ति मार्ग में सुना ना, कुछ नहीं। इसीलिए कई भगत आत्माएं जब ज्ञान में आ गई सरेंडर, तो क्या है पता है? हमको खुद मालूम है कि ये जो पोथी पुस्तक, वो ठाकुरों की पूजा सब लपेट करके, बहन जी यहां स्वागत। क्योंकि कभी बाबा से ये सवाल पूछा गया था, बाबा मैं आगे गीता बहुत पढ़ता था, बाबा मैं इस ग्रंथ का पाठी था, बाबा मैं इस भागवत का, या जो आपके जो जो अपने अपने पुस्तक होंगे उनों के जानकार हो। तो जब ज्ञान आता है, तो ज्ञान से क्या होता है? आत्मा अर्थ रहित से अर्थ स्वरूप बन जाती है। तो फिर सवाल उठता है, जो ये पुराने हमारे पाठे हैं, वो सब क्या करें? तो पानी में डाल दें। तो बाबा ने एक बार जवाब दिया था, बच्चे
पानी में नहीं डालो। ठीक है, अगर ठाकुर है, अच्छी चीज है, चांदी है, तुमको काम में नहीं आता, तो बाबा के हवाले यज्ञ में बीज बो दो। अगर ऐसी बात है, किताब है, कोई भगत आत्मा है, उनके हवाले कर दो, तुम उनसे मुक्त हो जाओ। बराबर, तुम मुक्त हो जाओ। क्यों? बाबा ने क्या कहा, देखो, दे में क्या क्या आ जाता है। अब दे से मरना, पहले ही बोला ना, ब्राह्मण किसको कहा जाता है, मरना, मरने में मर्यादाएं आती है। देह, अभी देह में क्या आता है, कहने में आता है ना, आप मरे, मर गई दुनिया। अभी मरे हुए से जाके पूछो, तुम तो खूब रोएंगे जिंदा वाले, पर जो मर गया उसके भतीजे भाई बहन माँ सब रोते रहते, वो खुद, तुम क्यों उसका फिक्र करते हो, तू तो मर गए ना। कहीं कहीं आके बाबा को कहते थे, बाबा मैं यहाँ ज्ञान में आई हूँ ना, मेरा पति ऐसा मेरे को कहता है, तुम यहाँ जाएंगी ना, मैं कूद मरूंगा। देखो मैं सच्ची बता, मेरे को जो पति फिर आएगा, मेरी स्त्री जो है ना, वो बहुत बाबा ऐसी बातें करते हैं। मैं क्या करूं, आप मरा, मर गई दुनिया। अब इसमें मरने वाले की बात थोड़ी अलग होती है, समझा, ये तो परिस्थिति प्रैक्टिकल में आती है, पर हमको सावधानी जो रखनी है ना, वो अपने संकल्प की, संकल्प की, सुना, संकल्प, मेरा संकल्प उसके पास न जाए। मेरी बुद्धि अच्छा, ठीक है, वो आपको परिस्थिति उनकी परेशान करती है, समझो, पर आप क्यों उनके ऊपर अटेंशन देते हो, तू तो मर गए ना। हमको तो जीते जी मरना पड़े ना, इन परीक्षाओं से पार करना, ये हो गई हमारे आगे फिर परीक्षा पेपर। तो फिर जब मैं बाबा की बनी तो ये आ गई परीक्षा, तो बाबा के पांव रखा यज्ञ में, फिर हमको उनके ऊपर, और ये परीक्षा एक पार कब होती है, जब आप बाप की लगन में मगन रहते। तो ये सब बातें सहज, क्योंकि वो देखते हैं, जैसे देखो मरने वाले आदमी के जो संबंधी है ना, हाँ, 4 दिन रोते हैं, 10 दिन रोते हैं, मास रोते हैं, 10 मास रोते हैं, फिर तो आज विधवा भी जो होती है ना, चलती है आनंद मंगलम से, भूल जाती है ना। आप उनके पीछे क्यों लटकते हो, आप किसके ऊपर न लटको, क्यों आप बने बाबा के। मैं बनी बाबा के, मुझे बाबा की मर्यादा का फिक्र रखने का। जैसे एक कुमारी शादी करके वहां गई, अगर माँ बाप के पीछे ही लटकती रहेंगी, ससुराल वाले भी इनके ऊपर ध्यान कम देंगे, इसको तो सारा दिन उनकी लगी पड़ी है। पर जो कुमारी समझदार होती है, उसको जिधर पांव वही राह, जिधर गई वही चाल। तो आप भी किसकी चाल में आ गए, शिव बाबा उसकी करते रहो। फिर एक मिसाल याद रखो, हमको वो मिसाल है हमारे जीवन के अंदर, हम तो छोटेपन में ज्ञान में आ गए तो भी सब बंधन आए, तो समझो कई प्रकार की बाधाएं आई। बाधाएं माना क्या, माँ बाप कहेंगे, माँ तो ज्ञान में थी, बाप कहेगा ज्ञान में न जाओ, दादा कहेगा ऐसा, ताले लगेंगे। फिर हम पता है अपनी बुद्धि की सोच करती थी, देखना अभी बुद्धि की सोच ही सबसे पहला नंबर पहुंचाती है। हम कहती थी, देखो गोपियों का भागवत के अंदर मिसाल है, एक गोपिका को पति ने बहुत बंधन डाला, तो मत जा, बांध करके जंजीर उसको डाल दिया, पर
जब वो दरबार थी उस समय तो कृष्ण को याद करते ना, तो उसी कृष्ण के पास पहले गोपका वो पहुंच गए थे, जो छुटेली थी ना वो देरी से पहुंचे, बांदेली उसके पास बैठी हुई थी। आप समझा बात को, बांदेली पहले बैठ गई, क्यों? उनके मन में उसी का लगन नहीं थी, उसकी लगन की अग्नि उधर जला दी, दीपक जग गया, पहले वो पहुंच गई, दूसरे और ही धीरे धीरे से पहुंचे। तो हमको भी पहली बार ये सब हम कभी कभी वो देते हैं, बहाने देते हैं, कई प्रकार के बहाने देते हैं, क्या करूं बहन जी, बहुत दिक्कत होती है, क्लास में नहीं आ सकते हैं। जो आने वाले होते हैं वो तो आ जाते, पर क्या करूं, ये क्या करूं जो शब्द है ना, वो दे अपमान का है, वो भगवान के बच्चे का शब्द, क्या करूं होता ही नहीं है। बाबा ने इतने तक कहा हुआ है, चाहे तुम स्ट्रेचर पड़े रहो ना, वो चार तुम्हारे को लेकर के बोलो मेरे को क्लास में लेके चलो, इतने तक जब आप पढ़ो ना तभी सवाल उठना क्या करूं, फिर आपको राय दी जाएंगे, तब तक अपनी क्लास से एब्सेंट मारने, वाणी से एब्सेंट मारने, भले क्लास सुना पर फिर भी मुरली लेकर के आपको अध्ययन करना। क्यों? क्लास सुनेंगे तो वहां आप वायुमंडल में गए, वातावरण में आ गए, पर मुरली के अंदर एक्चुअली क्या लिखा पड़ा है वो आप जब वाणी हाथ में उठा के पढ़ेंगे ना, तो बाबा के एक एक वर्षंस के ऊपर आपका ध्यान जाएगा। हम वाणी रोज सुनते हैं, क्लास में करते भी है, फिर भी जो वाणी हमारी यहाँ आ गई क्लास में चल रही, वो हम वाणी मिस नहीं करेंगे, पढ़ेंगे भरे पड़े वर्षंस। क्यों? ये भोजन है, पढ़ेंगे अपने आप तो आपकी बुद्धि में वो बाबा की अच्छी तरह से पॉइंट सहज समझ में नहीं आएंगे, नहीं तो कभी कभी आपकी बुद्धि यहां वहां चली जाती ना तो वाणी मिस हो जाती है, पॉइंट्स मिस हो जाती है। इसीलिए इसके ऊपर अटेंशन। दूसरा, क्लास में जब आते हैं ना तो कैसे आना है, कैसे? बांसी कपड़े में, स्वच्छ कपड़े। हम ब्रह्मा बाप की आपको बात सुनाते, क्या ब्रह्मा बाप की? हमारे बातों में हम आपको बाबा की बातें भी सुनाएंगे, ये ज्ञान की भी बातें सुनाएं, सब बाबा के आगे। हम सब बच्चे थे, बाबा हमेशा कहते थे बच्चे कपड़े स्वच्छ और साफ, मैले दो चार दिन के बासी कपड़े मत पहनना। आप देखो मंदिर की मूर्ति हो ना, मैं नहीं कहता हूँ नए नए कपड़े ऊंचे ऊंचे बढ़िया पहनो, जिसका आप ठाट बाट रखो, ठाट नहीं रखा ब्रह्मा बाबा ने, उसकी पीछे कथा सुनाती हूँ इसमें ठाट में भी। पर कभी कोई बच्चे बाबा के आगे आए, बाबा को पसंद नहीं आता था। देवताओं को देखो, दो दो चार चार वस्त्र बदल करते हैं, कितना स्वच्छ रखते, स्नान कराते हैं, पूजा करते, कितनी करते, तिलक ठीक, ठाकुरों की पूजा, खशबे अगरबत्ती, ये तुम क्यों बांसी रहते हो? तुम्ही तो, तुम्हारे से ही तो ये देवताओं की ऐसी पूजा होना शुरू किया है ना। इसीलिए कपड़े भले सादे हो, चार कपड़े रखो, पर रोज धुलाई किए हुए पहन, स्वच्छ। तीसरी, दूसरी बात, कभी भी भूलिए चुके भी, क्योंकि नयों को इन बातों का पता नहीं रहता है, स्नान करने के बाद क्लास में आओ। क्यों? कभी सुबह को तो नियम होता है बाहर जाने का, हा? तो स्नान करके ये जो पायखाने के वस्त्र है ना वो आप नहीं पहन सकते, अलाउ नहीं है, ये आप कानून समझो। जैसे हम कहते हैं ना, ब्रह्मा कुमारियों के पास आना माना बाबा का बनना वेजिटेरियन, उसमें भी कांधा
लहसुन यहाँ नहीं खाते हैं। क्यों? कोई नए नए होते हैं, खाते भी होंगे, अब भी आए हैं, कोई सब नहीं कहते है, हमको नया क्लास है। तो इसी ने कांदा लहसुन नहीं स्वीकार करते। और जब भी आप गए ना लैट्रिन, तो वो कपड़े कब भी नहीं पहना, ये बाबा का कानून, समझा? क्लास के गब्बे के अंदर आप नहीं बैठ सकते, क्लास के उधर चादर के ऊपर आप देता हो ना, इसीलिए ये स्वच्छता। और दूसरी बात, आज हम बाबा के बने तो हमने खान पान बाहर वालों का छोड़ दिया, पर आप प्रवृत्ति में रहते हो, प्रवृत्ति में झगड़ा भी नहीं करने का, पर कोशिश ये करो सदा पवित्र हस्तों से बनाए हुए भोजन को आप स्वीकार करो, समझा? पवित्र हस्त किसको कहते हैं? जो बाबा के बनते हैं, जिन्होंने पवित्रता की राखी बांधी, उन्हीं का आप भोजन पाते। आप भी अपने हाथ से बना सकते हैं, अगर कोई नहीं है। क्यों? जितना नियम होगा उतना फायदा, जितनी मर्यादा उतनी हमारी जो जीवन है ना, ये सब हम मर्यादाएं क्यों रखते हैं? हमारी बुद्धि साफ, बाहर की छूतछात से हमारा काम नहीं बनता, हम वो छूतछात वाले नहीं है। खान पान की जो है ना, हमारी मातेश्वरी मामा वो हमेशा कहती थी, जैसे देखो हम कभी रास्ते से जाते हैं ना, तो रास्ते को खोदा जाता है तो उधर रेड बत्ती लगा देते हैं, यहाँ कहते डेंजर, खतरे की घंटी। तो यहाँ खतरे की घंटी कौन सी है? अंदर जो भोजन गया ना, वो खतरे की घंटी। मामा हमेशा हमको ये पालना देती थी, जैसा अन्न अन्न पेट में जाता है, कैसे विचारों का बनाया हुआ अन्न है, वो आपके मन को ऐसा करेगा। इसीलिए भोजन के ऊपर अंदर रहे, ऐसा भोजन स्वीकार नहीं कर सकते, कोशिश, क्योंकि फिर तो आप में भी परिस्थिति तो नहीं है, जो जहां विल है वहां वे है, ऐसे आप भूख नहीं मर सकते, जहां विल है वहां रास्ता, कोई इंसान को कर नहीं सकता, इंसान आज ऊपर पहुंच गए, हम जो चाहे ना वो हम कर सकते, सिर्फ हमारी चाहे ना सत्य हो, असत्य ना हो। देखो अभी हम लोग ज्ञान मार्ग में चलते हैं, हमारे से खान पान के लिए बहुत लोगों का वाद विवाद चलते हैं, हम अछूत है क्या? वो चलते, आपसे भी चलते होंगे, हो सकता है जो आप हमारा भोजन नहीं खाते हो, पर उन लोगों से हम वाद वाद नहीं करते हैं और न करें। क्यों? आप एक हो, अभी आप भी नए हो, ज्ञान इतना आपके बुद्धि में भरा नहीं, जल्दी से आप कुछ और बोल दो और ही वो आपके उल्टा उठा दे, इसीलिए कभी कभी बहन जी मेरा अभी नियम नहीं, मैंने खाया पेट भर गया, ये झूठ नहीं बोलते। जैसे कोई पूछे गऊ आपने देखी क्यों कासा ही जाता है गऊ को मारने के लिए, उसके पीछे पर है, और बोले आपने गाय देखी इधर गई, हमको क्या पता, हर बार बिचारी का मारेगा ना, मेरे को क्या, ये झूठ नहीं बोला आपने, झूठ नहीं बोला, ये
उसकी आपने संभाल की। तो इसी तरह से खान पान के लिए भी हम किसी को वाद विवाद से सेटिस्फाई नहीं करेंगे। फिलहाल जितना हो सके ना प्रेम से आप अपने लक्ष्य पर, अपने नियम पर, अपनी मर्यादा पर कायम रहो। अपने आप को समझे तो बहुत अच्छा, न समझे तो वक्त मूड देख करके जैसा आदमी वैसे समझा। पर हम हमारे उपास पहले ध्यान रखें बुद्धि के अंदर, हमारे पास बात नहीं होगी तो हम तो तोते के माफिक, तुमने न खाया तो मैंने भी नहीं खाया, पर जब वक्त आया तो फेल हो जाते हैं। पर हम क्यों नहीं खाते हैं, क्यों? आज बहुत अच्छी अच्छी बाजार में जाओ, उसमें तो कांदा लहसुन नहीं पड़ता है, मिठाइयां बड़ी अच्छी है, वो बहुत नमकीन चेवरी, आप तो सब कुछ खा सकते हो, पर हम क्यों नहीं खाते हैं? जीव अपने का अन्न, जैसा अन्न वैसा मन। वो कहेंगे ये ब्रह्मचारी ने बनाया है। अरे ब्रह्मचारी ने बनाया है पर उसकी बुद्धि ब्रह्मचर्य में पड़ी है क्या? वो तो कल जाने वाला है, वो अमानदर से समझते। हम नहीं किसी के बात करते, पर हम क्यों नहीं खाते? बाबा ने कहा है बच्चे अभी तुम जैसे देखो, मिसाल याद कर दो, सफेद कपड़े होते हैं हाँ, उसी को आप शाही का एक दाग कर जल्दी चिट्टा देखने। अगर काला कपड़ा हो उसको आप 15 शाही का निशान कर दो, दिखाई पड़ेगा। तो अभी हम भी मन में सोचो सफेद कपड़े पहने बनने बाबा के बॉक्स में आ गए, ईश्वरीय पाल ब्रह्मर मुखवंशावली पवित्र शिव बाबा ने हम आत्माओं को ब्रह्मा के द्वारा अमृत धारा से पैदा किया। वो हम ऐसे उज्जवल और पवित्र आत्मा, उन पवित्र आत्माओं के ऊपर जरा भी किसी का असर चलती आएगा। पहले तो थे ही उसी डब्बे में ना, गटर में पड़ा था, उसको बदबू का क्या पता, पर हम गटर से निकल के वहां जाते नाक में दम आ जाता है जब कोई ऐसी गंदगी देखते है ना, तो अब भी हमारे भी नाक में दम आ जाते है। कौन सा दम आता है? जब ऐसी हम स्वीकार नहीं करते। कोई कहेंगे हाँ ये शुद्ध नहीं, अच्छा ठीक है, क्या फल स्वीकार कर सकते, दूध स्वीकार कर सकते, कोशिश कर फल ले सकते हो, क्योंकि आरजी भी नहीं, फल तो बाजार से भी आप लेते हो ना, ये फल खाया तो कोई बड़ी बात नहीं। पर आसक्त भाव से रहे, अच्छी मिठाई देखा, मेवा हाँ, दूध की दूध का खोया तो खा सकते हैं, अब तेरे को क्या पड़े, एक चीज आज खाएंगे कल दूसरी चीज पर पड़ जाएगा, खोया तो खा सकते हैं ना, खोया में थोड़ी, अरे पर आज तूने खोया खाया कल बर्फी भी खा लेंगे, कल फिर लड्डू पेड़ा दूसरी चौ से बहुत चीजें खा लेंगे, इसलिए स्टाफ तो स्टाफ झट को मर्त देवी के ऊपर वो पसंद करती है ना। अगर हम धीरे धीरे मौत करते रहेंगे अपना तो आपका मृत्यु आएगा नहीं। मैं आपको मिसाल दी हूँ, हमारे जहाँ हम पुणे में समझो रहते हैं, कोई आत्माएं तो जल्दी से ऐसी क्रिया कर दिया, आने से ही सब बातों से बस अपने हाथ से बनाया खाया पवित्र, ये सब खाने की आर व्यार मैं सब की। और कोई आत्माएं प्रवृत्ति में आज भी चल रही है, आज भी अपने वो आया भैया का खाया पर क्लास में आ रही है, क्यों? पहले उसने अग्नि तेज दुखाई नहीं, जलाई नहीं। अगर पहले अग्नि उसकी तेज जलती ना तो जल्दी पापड़ बन जाता। आप छोटी अग्नि पर पापड़ बनाओ, नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, रोटी नहीं पकेगी, कैसी होएगी रोटी? तो अगर हम पहले से ही अग्नि कम करेंगे तो फिर हमारा जो है ना बर्तन त्याग, या हमारी बुद्धि ब्रिलियंट नहीं होगी, उच्च बुद्धि नहीं बनेंगे, पावन बुद्धि नहीं हो सकती। इसीलिए ये हमारी मर्यादा है, खान पान आर व्या। फिर जब कभी ऐसे देखते हो, बाबा हमको समझाते थे, अच्छा बच्चे तुम सेवाओं पर जाते हो, भाई किधर जाते हैं सेवाओं पर,
अच्छा भला क्या करो तभी खाना कहाँ से मिले, अभी तो जगह जगह सेंटर्स हो गए हैं, आगे तो सेंटर थे ही नहीं। अच्छा बच्चे बाबा की राय देखो, उस समय तो थोड़े थे सेंटर। अच्छा बच्चे क्या करूं बताएं, एक दुकान वाले के पास जाऊं, ठीक है उसको बोलो तवा दो, तुम अपना रोटी पकाओ, दो फुल्का खाया रोटी कुछ टमाटर डाल करके खा लिया बस ओम शांत। हमारी एक छुगी बहन थी शुरू शुरू में, अभी हम कराची में थे तो वो बहन गई थी बॉम्बे, ओ हैदराबाद में, उसका हिसाब किताब चुकतू करने के लिए गई थी, कुछ बातें थी, 22 दिन वहां रही। अभी क्या करें, इतना तो बाबा ने सख्त कानून नहीं दिया पर वो इतनी सख्त कानून में रही। छुगी बहन जब आ गई तो उन्हें 22 दिन क्या खाना खाया बस से, वो कहती थी ये खार का है ना, खार का कतल, ये क्या बोलते हो आप, नारियल खजूर, बस वो खाया, रोटी पकाया उससे रोटी खा लिया। अरे भाई इतने दिन दूध भी आ इससे खा लिया, इतनी मजबूत तब भी साबित रह गए। तो अभी वो इस रिस्ट्रिक्शन नहीं की जाती है सहज, अभी तो बाबा के बच्चे जगह जगह वृद्धि हो गई है ऐसी, पर हम अपने लिए ला एंड पावर मिले, ला चलेंगे तो पावर आएंगे। दूसरी बात, फिर बाबा ने क्या कहा, शाम को भी जितना हो सके, क्यों ला से पास जाना है ना, तो सभी सब्जेक्ट में पास होना है, ऐसे नहीं मैं सेवा तो बहुत अच्छी करता हूँ, हाँ मैं धन से बहुत सेवा करता हूँ। अरे धन से करते हो तो क्या धन किसको देते हो, इसके ऊपर मैं आपको बात सुनाती हूँ। कभी कभी आत्माओं को करनी का अपमान आता है, अपमान आता है, हम सोचें हमने जो कुछ किया, कितने जन्म हम लेते हैं, आप सोचो एक जन्म नहीं 21 जन्म, आप थोड़ा बैलेंस निकाल, थोड़ा किया ना उसका अपमान रखेंगे तो जो कुछ आपका बनना था वो बनेगा कैसे, इधर ही अपमान हो गया। भक्ति मार्ग में भी एक कानून होता है, कहीं जो अच्छे दान विद्या अच्छे आज भी ऐसे कहते हैं एक हाथ करे ना दूसरा देखे भी नहीं, पर यहां बुद्धि चोर है, पहले तो बुद्धि देख लेती है मैंने किया, अपने अपमान से अपने गर्व से मैं तो समझेगा मेरा यहां मान कम है, क्यों मेरा ब्रह्मा कुमारियां मानती नहीं है, मेरा इधर ये नहीं होता है, इन्होंने का होता, तू कौन, तूने किया अपने आप को किया ना, आज तुम्हारी जीवन तुम्हारा परिवार कितना आप खर्चा करते हो उसके पीछे, नहीं कर रहे हो क्या, हाँ कितना करते हो आप, करते हो अपने लिए ना, आपका भविष्य आप खाएगा, आप दूसरे को नहीं खिलानेंगे स्वर्ग में, मैं मेरा कर रही हूँ आप अपना कर रहे हो, ये अपना कर रही है मैं मेरे लिए, जैसे बाबा कहते हैं यहाँ तुम इंश्योरेंस करते हो, मिसाल नहीं देते लौकिक का, तो बच्चे ये इंश्योरेंस आपके बच्चों को मिलेगा पीछे पोतरे पर पोतरे, पर हम जो बाबा के घर में यज्ञ में इंश्योरेंस करते हैं वो मैं 21 जन्म खाऊंगी, आप समझा, वो मैं मेरे लिए, यहाँ का इंश्योरेंस आपको नहीं मिलेगा, आप तो मर जाएंगे शरीर छोड़ देंगे, वो आपको थोड़ी मिलेगा, आपकी पत्नी को मिलेगा, बेटे को मिलेगा, घर वालों को मिलेगा, होता है ना ऐसा, कोई चले जाते हैं तो उनको ही पीछे मिलता है, आपको तो नहीं मिलेगा ना, और ये इंश्योरेंस किसको मिलेगा, तो किसका गर्व रखा। अच्छा दूसरा, हमारे में कोई गुण अच्छा होता है, अच्छा ही बहुत, मैं बहुत अच्छी हूँ, माना चोर सदैव आपके अंदर बैठा है, उस चोर की संभाल करना, चोर है अभिमान। दादी जानकी ने आज क्या बताया, देह के पीछे अभिमान चोर लगा पड़ा है, तो आप अच्छा गुण भी दिखाएंगे, अच्छा गुण होगा निर्माणता का, या कभी कभी आप समझो योगी लाइफ वाले हो, आप चार चार घंटा तो क्या छह छह घंटा बड़े प्रेम कुमारी से बताएगा, मैं 8 घंटा बहन जी योग करता हूँ, अरे अभिमान किसका दिखाया, इसका मतलब तू सच्चा योगी नहीं, जो योगी करो नहीं, ये गुण है खूबी है, बताने से और भी सीखेंगे, पर अपने अच्छाई का पीछे चोर जो है ना अटका पड़ा,
बाबा के बच्चे बनते हैं ना, तो बाबा के बच्चे बनते हैं तो पग पग पर ये जो माया, माया किसको कहते हो? माया विकल्पों को कहते हो। ये विकल्प आपके बुद्धि में हर वक्त पहरा दे रहा है। ये रावण जिसको कहते हैं, रावण कोई आदमी थोड़ी है, रावण पांच विकार है जो हमारे पुराने इस जीवन के अनेक जन्मों के चले आ रहे हैं। तो वो जब देखता है ये गया भगवान के पास, ये मेरा राज्य छोड़ करके गया, तो आपको कैसे छोड़ेगा? आंख से पकड़ेगा, कान से पकड़ेगा, यहां से पकड़ेगा, मुख से पकड़ेगा, कैसे भी बाबूजी को गिराऊं, हाथ से पकड़ेगा, बच्चे आ गए आपके सामने। तुम बाप बन करके अभिमान क्यों दिखे? बाबा ने कभी थप्पड़ मारा? कभी क्या? हाँ, आंख दिखाओ, पर सच्चे गुस्से में मत आना, आपका भी कर्म बन जाए। तो इसी तरह से अच्छाई का भी अपमान है। हम अच्छाई करते हैं, यज्ञ सेवा करेंगे, मैंने बहुत सेवा की, मैंने बहुत मीठा बनाया, मैं बहुत बड़ी पार्टी लाई, मैं देखो वीआईपी की सेवा करके आता हूँ, मैं 4 वीआईपी, मैं 10 वीआईपी, मैं गवर्नर से मिला। अरे मिला तो एक आदमी से मिला ना, गवर्नर गवर्नर क्या, वीआईपी तो बड़े हम है ना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इन द पब्लिक आई, वीआईपी माना क्या? वीआईपी तो हम है, बाबा नहीं कहते अब एक बाप दादा की मौली में, वीआईपी तो हम है, तो अपमान किसका रखते हो? वीआईपी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन इन द पब्लिक आई, पब्लिक के आंख में तो देता ही है नंबर वन, पब्लिक के आंख में तो ये शिव जी की मूर्ति है, पब्लिक के आंख में तो यज्ञ में जो शिवलिंग पूजे जाते हैं वो है ना, जिनके आगे जा करके वो कर्म की कहानी का दास्तान खोलते हैं। हम कौन बन रहे हैं? हम किनका नशा रखते? हाँ सेवा करो, वो बाबा ने कहा है सेवा करो, क्यों? एक की करेंगे अच्छे की तो 10 आदमी उसके पीछे अच्छे निकलेंगे। क्वालिटी की सेवा, क्वांटिटी तो ऐसे ही बढ़ती जाएंगी, पर क्वालिटी को लाओ। बाबा का बच्चा आपका तो बच्चा नहीं, ऐसे भी नहीं, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा तो कभी ऐसे कभी नाम सुना, ब्रह्मा के बच्चे। आप आए किसके बच्चे? आपको भी किसी ने सेवा करके लाया, तो ऐसे थोड़ी है ब्रह्मणी का नाम आप ही चटका देंगे। हाँ फला बहन का कुमार, जो भी आए हैं सब क्या बोलेंगे? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, क्या बोलते हो? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, कोई माता का नाम नहीं ले, नहीं तो कहेंगे इसको लगा हुआ, ये आगे बढ़ेगा नहीं, समझा क्या? इसीलिए हम बाबा का बच्चा, जैसे आपको किसने लाया? आपको भी तो किसने लाया ना, आपकी जो उज्जवल हुई ना भविष्य, प्रारब्ध का खुल गई ना, ऐसे आप भी निमित्त बाबा के बच्चों को लाया, बाबा बैठा है उनकी सेवा, हम कौन है? निमित्त है। तो अहंकार किसका, अहंकार किसका खाज है आपको मालूम है ना? ज्ञान का खाज है काम, अहंकार ईश्वर का खाज, माना आप अगर अहंकार में आए ना, जो आपकी धारणा है ना ईश्वर बुद्धि में बैठा है वो भाग जाएगा, हजार कोस भाग जाएगा। तुमको गर्व बाप का रखना है कि साधारण साधारण आदमी का? इसीलिए अच्छाई का त्याग कर, बुराइयों का तो त्याग करना है, बुराई तो कल है देखो काला या कोई लोहा तो जल्दी छोड़ देंगे, पर सोना बहुत देरी से छूटता है, सोने का मूल्य बड़ा होता है ना। तो यहाँ जब हम आते हैं ना तो सोने की कई कड़ियां हमको आती है, मेरी ब्राह्मणी, मैं तो मेरी ब्राह्मणी बड़ी अच्छी है, बड़ा योग कराती है, फिर ब्राह्मणी को देखते रहे, अरे ब्राह्मणी को ज्ञान देने वाला कौन, तू किसको देखता है, पागल क्यों है ब्राह्मणी के पीछे, मैं किसका? जब भी ब्रह्मा बाप ने क्या कहा याद करो, बाबा ने कहा बच्चे तुमको कितने बाप है? 3 तो है, पर वर्षा कौन देता है? परलौकिक और लौकिक, बराबर बोला है कभी ब्रह्मा बाबा वर्षा देता है? कि हम ब्रह्मणी के बच्चे बनेंगे, बेटे बेटी बन जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? नील, नील, ये अंडरलाइन लगा देना। हाँ ब्रह्मणी से स्नेह मर्यादा, क्यों? बाबा ने आप उसी को निमित्त बना करके सीट दिया,
तो हमको उस ब्राह्मणी का इज्जत क्यों, वो हमको बाप की श्रीमत देती। पर ये तो नहीं ब्राह्मणी भी समझेंगे मैं भी ब्राह्मणी हूँ, मैं टीचर हूँ। काय की टीचर, बाप टीचर सतगुरु हमारा एक है। बाकी ये हमको बाबा ने निमित्त बना करके दिए है, जिसी निमित्त के आधार से हम लोग चल रहे। पर वो भी उनको याद करती, मैं भी उसी को, मैं किसी का। तो कई बातें बुद्धि में अवमान ले आती है, जिन अवमानों को इस पॉइंट से काटना, जैसे कहते हैं इस ज्ञान को, सांप को कैसे काटा जाता है, सांप की दवाई बिच्छू की कहते हैं निकलती है कुछ, उसके जंग को उसी दवाई से काटा जाता है। इसी तरह से अगर हमको अवमान आता है ना, तो फिर ये अवमान रखो, मैं कौन, देवता बनने वाला, एक ही जन्म की मुझे कमाई करनी है, अब भी मैंने क्या कमाई किया, यहाँ की तरह कमाई खा लेगा, हमको बनना क्या है। मम्मा, उसका पद मैं आपको बताऊं, मम्मा जब थी तो मम्मा तो पद उसका प्रसिद्ध, साक्षात्कार में बहने भाई जाते थे तो क्या मम्मा लक्ष्मी, मम्मा सुख्य मतन में भी सरस्वती ब्रह्मा बा दिखाई देते थे, मम्मा का पद तो स्पष्ट था। फिर भी पता है कभी कभी बच्चे हंसी में कहते थे, मम्मा मम्मा आप तो लक्ष्मी है, आपको क्या पुरुषार्थ करना। पता है मम्मा क्या जवाब देती थी, कहती थी और ही मुझे बहुत जास्ती पुरुषार्थ करना, मैं लक्ष्मी क्या यहाँ बनी हूँ क्या, मुझे तो वो पुरुषार्थ ऐसा करना है, और ही मेरे ऊपर बहुत पुरुषार्थ की जवाबदारी है। समझा, लक्ष्मी क्या यहाँ हूँ क्या। तो पुरुषार्थ से ही ऊंच बनते, पर हर एक का पुरुषार्थ अपना होता है। जिसका कोई होता है ना बहुत गजता है, आप समझ जा, बादल कोई होते है ना गरजते बहुत है पर बरसते नहीं है, गरजने वाले बादल भाग जाते हैं, बरसने वाले बादल शांत रहते हैं। बराबर, तो यहां भी हम गरजने वाले मत बने, गंभीर। देखो बाबा को देखा, जीवन कहानी, जीवन के अंदर ब्रह्मा बाप कितना बड़ा, इतने बेहद के बच्चे बाबा बाबा कहे, पर आपको पता है वो कैसे मीठा, कभी ऐसे नहीं हमको बोला आदर से, बच्ची यहाँ आओ, बच्ची ये क्या करती हो तू, कभी नहीं, बच्ची यहाँ पानी तो लिया नहीं, बाबा की एक ब्राह्मणी थी निमित्त, पापा ने कभी किसी के ऊपर आदर नहीं किया, आज्ञा नहीं की, नहीं आदर, शान सुबह, इतने सारे बाबा के बच्चे बाहर आते जाते, आओ बच्चे आओ बच्चे, कभी बाबा ने कभी भी, कितने बच्चों का, हजारों बच्चों का बाप, कभी उसने देखो अधी रहता, यहाँ थोड़ा काम पर जाएगा ना अधीरता आ जाएंगे, आवेश आ जाएगा, आवेश के बदले क्रोध हो जाएगा, उसके संकल्प विकल्प कितने चलेंगे, और बाबा ने गंभीर कितनी समस्याओं को हप कर दिया, सागर, क्योंकि सागर ज्ञान सागर, उसको सब गुण किसे दिखाने, शिव बाबा ने रथ दिया ना, फॉलो फादर, हाँ फॉलो फादर फॉलो मदर, माँ बाप को फॉलो करो, तो कई हजारे समस्याओं को देखा, देखो पर देखते हुए भी देखा नहीं, हम हजारे बातें बाबा के सामने ले आते, दिल में ले आते, देखो अनेक बातें मन में आती थी, बाबा को जाके ये सुनाएंगे, पर बाबा जो था ना एक शक्तिशाली पावर में रहते थे ना, बाबा के आगे आएंगे ना, बाबा को क्या सुना, आता ही नहीं है सुना, बाबा क्या कुछ भी नहीं, क्यों, सागर ने हमको ऐसी दृष्टि दी जिससे हमारा मुख भी जो वर्णन करे ना बार बार उन बातों को, वो भी मेहनत करने नहीं दिया, वो टाइम वेस्ट करने नहीं दिया, क्योंकि हमारा ख्याल है बाबा को, बाबा के पास बच्चे आए रिफ्रेश होने, इसीलिए
ऐसी दृष्टि दिया जो मनसा से हमारा कचरा जला दिया। पावन कौन सी बातें बाबा को सुनाए, बाबा क्या नहीं, क्या बोला उसने, विजय माला किसको नींद आती है, योग के ऊपर नींद आती है ऐसे ये लोग कहते हैं ना। अच्छा ये दवाई पूछता है ना, हाँ ठीक है। अभी इसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको बताती हूँ और सब भी सुनना। इसने एक टॉपिक उठाई है ना, देखो कभी कभी छे छे रत्नों को भी झुटके बहुत आते हैं। नहीं हम आज से, हमको आज 54 बरस हुए इसी ज्ञान में चलते हैं। और यज्ञ की लाइफ में पग पग अनुभूति है सब बातों की, अपने परिवार से, सारे परिवार से, तो अच्छे अच्छे रत्नों को भी छुटके आते कभी कभी। पर ऐसे नहीं कहेंगे ये है ही नहीं कुछ, ये भी नहीं उस समय बोल सकते, ठीक है। और हमारे यज्ञ में एक बहन थी, मिसाल देती हूँ, नींद की दूसरी बात सुनाती हूँ। पर एक बहन थी, वैसे तो बहुत होशियार थी, ज्ञान व्यान बहुत बताती थी, पर जब बेचारी योग में आके बैठे ना तब झुटके गए, नींद बहुत आए। और उसको बेचारी को कोई ये करना तो लज्जा भी बहुत आ जाए, हाँ मैं नींद कर रही हूँ, ठीक है। फिर वो पुरुषार्थ बहुत करती थी, आंखों में ये तेल की भी डाल के आती थी, पानी निकलेगा कुछ देहपान तो रहते हैं ना, मेरे को मारती देखेंगे, ये मारती झुटका खा रही है, अच्छा तो नहीं लगता है ना। मन ये एक दूसरी बातें दो तीन बाहर की बताती हूँ, मिसाल मिसाल, तो वो ये करके आएंगी, एक तो दूसरा समझेंगी। अच्छा एक बात है, अच्छा ये बात छोड़ो, अभी योग के लिए बाबा ने जो मुरली के अंदर मिसाल दिए है वो तो ऐसे दिए है बहुत अच्छे। बाबा के सामने कौन बैठने चाहिए, जो आत्मा हाँ हाँ करे। और क्लास में अगर कोई झुटका खाते है, मुरलियां आप सुनते हो, कोई आत्मा झुटके खाती है तो समझो उसके बुद्धि में कोई ज्ञान ही नहीं, पर हम समझते हैं इसको। और दूसरी बात, जब कोई अमेरिकन लोग रात को, देखो वो स्टीमर्स होते हैं ना, वो रात को स्टीमर्स के अमेरिकन लोग आते हैं, तो उस समय सब जो व्यापारी लोग होते हैं ना, दुकान खोल करके खड़े हो जाते हैं, फिर 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक भी उनके दुकान खुले होंगे, उसकी व्यापार हो रहा है ना, तो ऐसे थोड़ी नींद आएंगे। अगर उसको दुकान में नींद आ जावे तो माली सारा चोरी हो जावे। तो यहाँ भी आप अभी बाबा से कांटेक्ट कर रहे हो, बाबा से मुलाकात कर रहे हो, आपको माल मिल रहा है, चाहे ज्ञान के क्लास में भी आपको खजाना मिल रहा है। अगर आप ये करेंगे माना बुद्धि का ताला बंद, तो आपका पर्स चोरी हो जाएगा। इसीलिए ये सोचो कि हम अभी कहाँ बैठे, क्योंकि ये हमको हमारे मन को हमेशा पावरफुल बनाना है, पावरफुल बातें करना है। और दूसरी बात, नींद का भी कभी कभी क्या होता है, कोई कोई बच्चे होते हैं, देखो दादियों ने अभी मूल्यों के अंदर, या हमको पोता मिल जो योग बच्ची का आया है वो, उसमें कोई कोई जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे बड़े हट्टी होते हैं, रात को 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक, 3 से लेकर के 5 बजे 6 बजे तक वो योग में रहेंगे, रात को जागेंगे। अभी तो रात को जागेंगे तो सुबह को क्लास में आएंगी तो क्या हाल होगा, आप बताओ, झुटके झुटके। तो इसीलिए कहा कि आप सुबह की जो हमारा क्लास का टाइम है 4, ठीक है 3:30 उठो अच्छा है, 4 से 5 मर्यादा अनुसार तो योग का आप आराम थोड़ा ठीक कर। एक तो निद्रा क्यों आती है, कभी कभी आराम ठीक नहीं होता, इसी कारण से भी इत्तफाक से जो कभी थकावट होती है ना, तो हम कभी समझ, ये आज थकावट थी इसको, तभी थोड़ी नींद आती थी, नहीं तो इसको नींद नहीं आती है। वो हो गया प्रकृति 5 तत्वों की भी, वो भी थोड़ी आराम देती, पर आराम भी आप खूब करते हो फिर भी आपको झटका क्यों आता है, अभी इसका कारण, आराम भी आपने ठीक किया फिर भी झटका क्यों आया,
योग में बैठे ये करना शुरू कर दिया और योग से बाहर गए तो बहुत अच्छे बैठे। इसके लिए हमारे पास ये मथन जो है ना, ज्ञान चिंतन, वो हमेशा चलना चाहिए। जैसे बाप कहता है, अभी पत्नी जब ही पति से मिलने जाती है तो क्या आंखें पड़ेंगी क्या? तो भगवान से मिलने जाती हो, वो बाप टीचर गुरु सतगुरु देवों का देव, उसे तो मिलने जाती हो, तो कैसे तुमको मिलना चाहिए? क्यों आंखें तेरी बंद होती है? इसका मतलब तुम्हारे पास बाबा का परिचय नहीं है। खाली एक निमित्त समझती हो ना, मुझे बैठना है, मर्यादा जो मिली हुई है ना वो बैठना है। और पर क्यों बैठ? वो कार बैठना है। तो जो बैठना है जिसके बुद्धि के अंदर, वो ज्ञान माना क्या? वो योग की जवाब अंदर खुशी महसूसता जीवन का अनुभव, वो तो सोचता है। जिसको जीवन का अनुभव होता है ना, वो हमेशा एकांत को सोचता है। कहां से टाइम मिले हम एकांतवासी हो जाए। देखो मैं आपको अपने बचपन की शुरुआती जो हमारी यज्ञ की लाइफ चली, तो उसी के अंदर बाबा हमको मुरली चलती थी ना, हमने एक घंटा बाबा की मुरली सुनी रोज। फिर मुरली सुनी तो हमारी दिल नहीं पूरी होंगी, लेकिन बाबा की शिक्षा हमारे लिए ये थी सभी के लिए, बच्चे यहाँ से टेनिस को, टेनिस कोर्ट हमारे वो कराची में, वहाँ मिर्जाकोट सब जगह बड़ी बड़ी, तो टेनिस कोर्ट में चले जाओ, बगीचे में चले जाओ, कर्म के ऊपर पीछे लगो। भंडारे में जाना है ना, रोटी बेलना है, वो तो अभी भी जाते हैं। पर तो हम लोग क्या करते थे पता है? बाबा की मुरली सुनी फौरन टेनिस कोर्ट में भागेंगे, अकेले चक्कर लगाते रहे। वो जो मुरली की पॉइंट सुनी ना, कॉपी का आधार नहीं, रिवाइज करेंगे, अंदर वाणी को याद करेंगे, स्मृति में लाएंगे, आज बाबा ने मुख्य कौन सी पॉइंट सुनाई, आज बाबा ने कहा बच्चे जागृति ज्योतो के चल, आज बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें एक याद स्मृति ब्राह्मणों का काम क्या है, पवित्रता, ये सब जो बातें बाबा सुनाते थे ना ब्रह्मांड में बैठ करके, तुम ये लाइट की योग की बच्ची घुमाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है। बस हम लोग जो बाबा की पॉइंट सुनी ना, एक पॉइंट को भी यहाँ देह से निकालेंगे, उसी पॉइंट के ऊपर बैठ जाएंगे, ब्रह्मांड मेरा घर है, मैं घर में, बाबा का मेरा घर, बच्चे का घर तो बाप का घर है ना, मैं मेरा घर में हूँ। अभी बाबा ने कहा बच्ची घर में रहकर बाबा से मिलकर पीछे आओ, भोजन बनाने पीछे आओ, अभी सीट को पकड़ा अच्छी तरह से, स्टेज को सीट बुक की, फिर आएंगे। फिर पता है कैसे आएंगे? योग युक्त आकर के रोटियों के ऊपर बैठे, दूसरा भी देखेगा इसको तो नशा चढ़ा हुआ है, तो वो हमारे बोलने से नहीं, वो सावधान हो जाएंगे। आप किसको मुंह से बोलो तो सावधान नहीं होता, किसको कर्म से, आपके इशारे से देखेगा, ये मौन वर्तमीय है और यादमी है, मुस्कुराता कैसा है, ये नशा चरा करके पीछे कर्म के ऊपर। हमारे ऊपर ड्यूटी है, यज्ञ के ऊपर ड्यूटी थी, किसके ऊपर बाइंडिंग की, किसके ऊपर लिखने की, किसके ऊपर क्या, हजारे ड्यूटी, जैसे आप यहाँ देखते हो सबके ऊपर अपनी ड्यूटी। तो पहले एक की याद की सीट पर बैठ करके फिर कर्म भूलेंगे, फिर हम और क्या सोचते हैं? देखो हम किसके बच्चे हैं? देखो आप जब ज्ञान में तीव्र गति से जा रहे हो ना, तो आपको पता है कौन सी बातें आएंगी, छोड़ने से और ही जास्ती याद आती है, देहधारी याद आएंगे, घर याद आएगा, पहनू अच्छा, ये कब, अनेक बातें, मोह की, ममता की, दस बातें याद आती। हम क्या नशा चराते थे? एक नशा सब याद रखना। हम
उसके बच्चे हैं, उसके गहराई में जाओ। भगवान सारी दुनिया उसी बेहद के बाप को ढूंढ रही है, साधु सन्यासी भी उसके तलाश में नेति नेति करके चले गए, जंगलों में पे भगत तीर्थों पर गए, यात्राओं में नंगे पांव फट डाले और हमको वो मिला। मैं उसके बच्चे, बाबा बेहद का कौन, निराकार ज्योति सर, मैं भगवान की बच्ची निराकार आत्मा। अभी उसी को जब किसी का भान नहीं, अभिमान नहीं, सारी दुनिया उसकी है, मेरी क्या है, मेरी दुनिया कहाँ है, मेरी याद के बच्चे है, ये मेरा पति है, ये भी तो उसके है ना, मेरा कौन, मेरा तो कोई। जब भगवान बेहद का मालिक है तो मैं भी तो बेहद के बाप की बच्ची हूँ, मेरे को क्या है, मैं उसी सीट पर बैठ जाऊं, खुशी में रहूं, मेरे को कौन है इसी सीट से उतारने वाला, बस चढ़ गए सीट पर, फिर आओ नीचे काम करो। तो वो नशा आज इतना चरा, कल इतना चरेगा और जास्ती चढ़ता जाएगा, पर उसी को छोड़ो नहीं। मुरली सुनी, सिमरन करो, स्मृति में आओ, फिर उसका स्वरूप बन जाएंगे, पर सिमरन तो करो ना, मुरली सुनी और बातें और में लग जाएंगे तो स्वरूप कब बनेंगे। इसीलिए ज्ञान और योग और ध्यान और सेवा, सेवा बाद में आती है, पहले ज्ञान, ज्ञान से स्वरूप की स्मृति आई, समझ मिली, पर बोझ आत्मा का कैसे उतरेगा, योग से। शक्तियां कैसे आएंगी, ज्ञान से बल है, ज्ञान बल, पर वो बल कायम तब रहता है जब भी याद करते हो, तो याद से विक्रम नाश होते हैं, याद से, याद भी कब रहेंगी, जब आत्मा की बाबा के साथ लव है, लाइन क्लियर है। ज्ञान ने पहला बल दिया जो हमको सब समझ आ गए, पर योग ने, याद ने हमको क्या आगे बढ़ा, वो बल मिला, शक्तियां, किसी से हमारे संस्कार माना विक्रम, विक्रम माना जो विकल्प, पहले बुद्धि में बहुत आते थे, जो विकल्प आपके बुद्धि में ठहर जाता था, मूड में आ जाते थे, कर्म में आ जाता था, धीरे धीरे जितना जितना आप इस लेवल में चलते रहेंगे, योग में, बाबा की स्मृतियों में, बाबा की दान, तो वो जो विकल्प बहुत समय खत्म होता जाता, फिर आप समझेंगे अभी मेरी आत्मा का बोझ कम हो गया। तो ज्ञान, योग, योग से ही फिर जो धारणा आती है ना देवताओं की, ज्ञान गुण, वो अस्थाई टिकाव करेंगे। अगर हमारे पास ज्ञान है पर देह अपमान है, योग नहीं है, तो फिर गुण जो है ना अभी है, अभी चलो नीचे तो ओम शांति। तो इसीलिए इन सब बातों को मनन मथन, कॉपी तो सबसे अच्छी ये है, पर ये कॉपी भी इसीलिए नोट करते हैं कि इतनी सारी बातें याद नहीं आती, कभी अवस्था अच्छी नहीं है, कभी अच्छी भी है तो भी उठा करके पढ़ो और जाएंगे अपने बहनों को, भाइयों को, किसी को भी उठा करके बताएंगे तो सहज होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे मर जीवा बनो, मरे हो तो अभी मर्यादाओं को, नियमों को अच्छी तरह से धारण करते आगे बढ़ते चलो, अच्छाइयों का भी अपने पास अभिमान मत, बुराइयां तो छोड़ दी पर अच्छाइयों का भी अभिमान। ओम शांति। मेरा परिचय मेरे को आया, आपका संकल्प पहुंचा मेरा। देखो बाबा कब कहते हैं ना, जब तुम देखो मर्जीवा बनते हो, जैसे ब्रह्मा को नाम मिला ना, ब्रह्मा पहले तो दूसरा नाम था ना, तो ऐसे ही हमारा नाम ब्रज शांत है, ब्रज शांत, तो ये मेरा नाम पहला दूसरा था। हम जब बाबा के पास आए ना तो हमारा नाम और था, और ये ब्रिशांता अलौकिक नाम से हमारा चलता है, और हम 54 इयर्स से
मैं कुमारी हूँ 54 ईयर से इसी जीवन में, और हमारे परिवार से सभी हमारे जो लौकिक सदस्य है, बाप नहीं चला, पर मेरी लौकिक माता जी, मेरी सिस्टर, हमारी बड़ी दीदी मनमोहिनी और उसकी लौकिक छील बहन, मतलब हम घर से उसकी माता जी, हम छह हैदराबाद सिंध से, पाकिस्तान जो बन गया तो हैदराबाद सिंध से, बाबा भी हैदराबाद सिंध में जन्म लिया, तो हम भी वहां के ही स्थान पर जन्म लेने वाले, वहां ही उसके पास गए थे, और वहां से ही जैसे गए ना उसके हो गए, फिर यहाँ करके देखा नहीं, समझा क्या, जैसे गए है ना वैसे दुनिया को देखा नहीं। ये हम अभी हम पूना, पूना में है हमारी सेवाएं, पूना, पूना जानते हैं ना। ओम शांति।